लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ का एक पहचान और है चिकनकारी। चिकनकारी की वजह से भी लखनऊ पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि चिकनकारी आज से 300 साल पहले लखनऊ के नवाब के महलों से निकली हुई कला है, ये जो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। ब्लैक प्रिंट इसके मेंस करते हैं, वॉशिंग भी पुरुषों द्वारा होती है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का काम जो मेन आर्ट है वो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। मेरा नाम गुड़िया है, 8 साल से हम काम कर रहे हैं इसको। कढ़ाई में हमको मन लगे हैं, हम कढ़ाई कर रहे हैं। सुबह उठते हैं हम 5 बजे जाग जाते हैं, और बाद खाना वाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगा करके, अब नहा धोवा करके तब हम कपड़ा बनाने लगते हैं। यही कढ़ाई पसंद है, इसे और कुछ अलावे हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब खाना बनाते हैं, बैठते हैं, तो अपना 4 लड़कियों लोग को बैठोर के बैठते हैं, हम लोग उसी में बिजी रहते हैं अपना। ये काम जब नहीं करते थे तो हम बहुत बोर हो जाते थे, कि जैसे घर में बैठे बैठे बहुत उबते थे। जब काम करने लगे तो हमारे टाइम पास हो जाए तो हमको अच्छा लगता है। पहले हम कपड़ा लेते हैं, उसमें फ्रेम लगाते हैं, अब फ्रेम लगा करके सुई में धागा लगाएंगे, तब उसको बनाने के शुरू करेंगे। कढ़ाई तो होती है, जैसे एक रेशमी धागा होती हैं, एक सूती धागे में होती हैं, एक जड़ी के काम होती हैं, तो कई तरीके की कढ़ाई होती हैं। आज लखनऊ और आसपास के ज़िलों में हज़ारों महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं, और चिकनकारी करके वो एक अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि चल भाई अपना घर में थोड़ा काम कर ले, अब ये काम आते हैं थोड़ा ये भी काम कर ले, बैठला से कोनो फ़ायदा नहीं, 2 पैसा आएगा तो भाई नहीं, जैसे टाइम मिलते हैं हस्बैंड नहीं देते हैं, तो थोड़ा अपना तो हुनर रहते हैं तो हम लोग काम करके अपना चला लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक पीस बनाने में कई कई महीने लग जाते हैं। अब आप उनके वेजेस, उनका टाइम देखिए, उस हिसाब से उस आर्टिकल की कास्ट तय की जाती है। कास्ट ज़्यादा देना भी एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे से ही उनका घर चल रहा है। तो ये क्राफ्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं आप, और अपने शौक के लिए आप पहन भी रहे हैं। मान लो कि अच्छे हमारे और कारोबार आगे चलेगा, तो बच्चे को हम भी सोच रहे हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं, कि हमारे बच्चे के भविष्य आगे बने, इसलिए हम इसमें मेहनत करते हैं। सबसे ख़ास बात इस कला की ये है कि ये कई तरह के लोगों को रोज़गार देता है। उसमें धुलाई वाले को भी रोज़गार मिलता है, छपाई वाले को भी रोज़गार मिलता है, वो महिला जो कढ़ाई कर रही है, सबसे बड़ा आर्ट उसका है, उसको रोज़गार मिलता है। वो अब काम करके जो इनकम करती है उससे अपने घर की जीविकोपार्जन होता है उसके लिए।